प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने रिवीजन क्लास किया था क्योंकि हमारे जून तक के सिलेबस कंप्लीट हो चुके थे। आज के सेशंस में हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा वीडियोस होगा उसमें हम लोग जुलाई के सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। बेसिक तौर पर मैं बात करूँ तो पहले मैं आज टाइम टेबल को डिस्कशन करूंगा और अगर कुछ टॉपिक्स बचते हैं, किसी के डाउट्स आते हैं कि सर ये टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं जुलाई के सिलेबस को रोक कर उस टॉपिक्स को पहले क्लियर करूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, क्योंकि जुलाई में आपको पर्टिकुलर एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल देखना, सॉरी पाइथागोरस टेबल। देखिए आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं, पहले मैं ये समझा दूं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट टोटली बेस्ड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे बेस्ड होता है टोटली? तो वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। कहता है पाइथागोरस ट्रिपलेट के अनुसार, ये पाइथागोरस थ्योरम इस पे कहता है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अनदर टू साइड्स। ठीक है, यहां पे लॉन्गेस्ट साइड जो है आपका एसी, तो एसी का जो स्क्वायर है वो अन्य दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम इक्वल होता है। अन्य दो साइड्स क्या है? एबी और बीसी। एबी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के सम इक्वल होता है, यही हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाता है। ठीक है, इसी पार्ट को हाइपोटेनस लेंथ ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं आप इसको, परपेंडिकुलर भी बोलते चुकी है 90 डिग्री पे थोड़ा है। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहता है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बीसी से कुछ आता है, दैट मींस अगर मैं कहूं, अगर मैं इसको सी बोलूं, मान लीजिए कि ट्रायंगल है सी ए बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर्स को देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, देन ऑल्सो वी गेट द सी इज इक्वल टू 5। हाउ? स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। वी नो दैट फ्रॉम आरएचएस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 और बी स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस 9 प्लस 16 नोट्स कितना आ जाएगा 25। एलएचएस में हमारा सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट मींस 25 एंड हियर व्हाट वी गेट, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, है ना, दैट मींस ये हमारा प्रूवन सही है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, जैसे मैं मान लीजिए कि क्वेश्चन क्या कहता है, इमेजिन करते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है, आपके एग्जांपल से हम दिएंगे अगर बुक में आप देखिए वहां पे। ठीक है, बीसी, ठीक है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज या हुज वन नंबर इज 12, हुज वन नंबर इज 12। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल रहा है जिसका कह रहा है एक नंबर क्या है 12। अब देखो एक नंबर है तो क्या है 12 है और 12 क्या है एक इवन नंबर है। इवन और ऑड के सेंस में मैं बताता हूं किस चीज का आपको यूज करना है। जब भी इवन इवन बोले तो आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म यूज करना है, वो किसका है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये तीन वैल्यू हो सकते हैं कि लेंथ को इंडिकेट, परपेंडिकुलर को, ब्रेथ को या हाइपोटेनस को इंडिकेट करें, किसी तीन साइड्स को इंडिकेट करें राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑड नंबर रहेगा
जब भी ऑड नंबर है उस सेंस में आपको एक चीज का यूज करना है एम एम स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम स्क्वायर प्लस वन बाई टू ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं तो इसका वन नंबर क्या है 12 जो है 12 क्या है हमारा इवन नंबर है तो ले 2n इज इक्वल टू व्हाट 12 देन n इज इक्वल टू व्हाट 2 6 है 12 n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया तो आप क्या निकालिएगा n स्क्वायर माइनस 1 निकालिएगा क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 दैट मींस कितना हो जाएगा 36 माइनस 1 35 ओके। अब एक और निकालिएगा क्या एम स्क्वायर प्लस वन सिक्स स्क्वायर प्लस वन दैट मीन्स व्हाट 36 प्लस वन कितना आ जाएगा 37। इस प्रकार हमारा पाइथागोरियन ट्रिपल क्या आ जाएगा जैसे मैंने बताया था सीक्वेंस फ्रॉम 2m एम स्क्वायर माइनस वन और एक और बताया था एम स्क्वायर प्लस वन बताया था ना 2m की जगह क्या 12 एम स्क्वायर माइनस वन कितना है हमारा 35 और एम स्क्वायर प्लस वन कितना है 37 हो सकता है आप देख लो इसमें से आप जब निकालोगे इसका पाइथागोरस थ्योरम पे क्या लिखता होगा कि इन दोनों का स्क्वायर का सम जो है इसके स्क्वायर इक्वल आया ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ये समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। फाइंड आउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होज स्मॉलेस्ट नंबर इज थर्टी ले लें चलो देखते हैं सेवन लेते हैं ठीक उसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है हमारा सेवन। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर सेवन है तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट क्या है मान लो कि एम इज इक्वल टू आपका सेवन है ठीक है क्योंकि ऑड नंबर है तो ऑड नंबर का वैल्यू यूज करेंगे ना तो लेट एम इज इक्वल टू सेवन देन क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन बाई टू कितना हो जाएगा सेवन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू एम स्क्वायर क्या जाएगा सेवन स्क्वायर माइनस वन बाई टू बाई सेवन सेवन जाए 49 माइनस वन बाई टू दैट मीन्स व्हाट 48 बाई टू कैंसिल हो गया कितने टाइम्स में 24 टाइम्स में ठीक है। एक और निकालते हैं एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू तो सेवन का स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू सेवन सेवन जाए 49 प्लस वन बाई टू 50 बाई टू ये कैंसिल हो कितना दे देगा 25। इस प्रकार हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ जाएगा 7, 24 एंड 25 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि यहाँ पे आपको और भी जैसे आपको बुक में दिया है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो m उसका m स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 4 दिया है और एक दिया है m स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 तो उस तरह से भी आप बना सकते हो जब इवन नंबर जो है नेचुरल नंबर m हो और एक्सेप्ट 2 करें तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स तो इससे संबंधित है तो आई थिंक आप लोगों को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करिएगा। अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो डाउट सेशन में अपने जो टीचर से मैथ्स के उनसे डाउट गेम क्लियर कीजिएगा। वीडियो जरूर से अच्छे से देखिए अगर वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं आप लोग डायरेक्ट और पीडीएफ देखते हैं तो वीडियो देखिए पहले उसके बाद पीडीएफ देखिए पीडीएफ से नोट्स बनाइए और कोई डाउट्स होते हैं फिर उसके असर पूछिए उसको मैंसेज कीजिए फिर क्वेश्चन बनाइए फिर तब डाउट होते हैं तो दूसरे से पूछिएगा तब तक के